की पहली लेडी जासूस। जेम्स बॉन्ड शेरलॉक से कम नहीं, कई मर्डर मिस्ट्री कर चुकी है सॉल्व। जरा सोचिए, जब हम जासूस शब्द सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहली तस्वीर कैसी बनती है? लंबा कोट, आंखों पर काला चश्मा, हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास, बूट्स और एक छोटी टॉर्च। और वो इसीलिए क्योंकि हमने अक्सर अपनी किताबों, फिल्मों, सीरियल्स में इसी तरह के जासूसों, स्पाई या फिर डिटेक्टिव को एक्ट करते देखा है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इन सब के इतर एक साधारण सी दिखने वाली महिला भी जासूस बन सकती है, और सिर्फ जासूस ही नहीं बल्कि जासूसी के मामलों की मास्टरमाइंड। जी हाँ, तस्वीरों में दिख रही ये शख्स महिला जासूस है, जिसका नाम रजनी पंडित है। रजनी पंडित देश की पहली महिला डिटेक्टिव हैं, जो पिछले 35 साल में 80,000 से ज्यादा केस सुलझा चुकी हैं। लोग इन्हें लेडी बॉन्ड या फिर लेडी शेरलॉक के नाम से भी जानते हैं। रजनी पंडित में सच की खोज करने का कीड़ा दरअसल बचपन से था। वे शुरू से ही लोगों के झूठ को पकड़ लिया करती थी। हालांकि काफी समय तक उन्हें मालूम नहीं था कि वो जासूस बनना चाहती हैं या नहीं, लेकिन जैसे जैसे रजनी बड़ी होती गई, उनकी दिलचस्पी इस फील्ड में बढ़ती चली गई, और आज वो देश की पहली महिला जासूस हैं। यही नहीं, रजनी पंडित की खुद की प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी है। रजनी कई इंटरव्यूज में बता चुकी हैं कि उन्होंने आज तक कोई भी स्पाई या फिर डिटेक्टिव की मूवी नहीं देखी। कॉलेज के टाइम से ही रजनी जॉब करने लगी थी और एक मेडिसिन पैकिंग की कंपनी में नौकरी किया करती थी, और उस दौरान ही रजनी को अपने जीवन का पहला केस मिला था, जिसमें एक परिवार के घर चोरी का मामला उन्होंने सॉल्व किया था। उस दौरान कई बार लोगों के घर नौकर के तौर पर भी काम कर रजनी ने अपनी जासूसी का काम किया। रजनी पंडित को 35 साल जासूसी के फील्ड में हो चुके हैं और उनके पास करीब 80,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। वो बताती हैं, उनके पास बच्चा कहाँ जाता है से लेकर मर्डर तक के मामले आते हैं। रजनी ये कहती है कि मेरे पास हर तरह के केस आते हैं, जैसे बच्चे कहाँ जाते हैं, रात में बीवी या पति लेट आ रहा है तो कहाँ है, कंपनी का डुप्लीकेट सामान अगर बाजार में बिक रहा है तो वो क्यों, चोरी के केस, शादी को लेकर कोई इंक्वायरी, क्रिमिनल माइंड के लोग हैं उनके बारे में भी इंक्वायरी आती है, मर्डर का कोई केस हो वो भी रजनी के पास आता है, कोई आदमी लापता हुआ हो तो उसकी वजह क्या है, जैसे अलग अलग मामले रजनी पंडित के पास आते हैं। जिंदगी के सबसे मुश्किल केस के बारे में बात करते हुए रजनी ने बताया है कि वो एक हत्या की गुत्थी थी, जिसमें शहर में एक पिता और पुत्र दोनों की हत्या हो गई थी। कातिल का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था, इसका शक एक महिला पर था। रजनी के पास जब ये केस आया तो उन्होंने इसे सुलझाने की ठानी। वो बताती हैं कि मुझे केस देखते ही लगा कि इसके तार घर से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन घर में कैसे घुसा जाए। जिस महिला पर हत्या का शक था, उसके घर में रजनी नौकरानी बनकर घुसी, वहां 6 महीने तक रही, घर वालों का विश्वास जीता। हालांकि एक दिन छोटी सी गलती से शक के घेरे में आ गई, और वो ये कि रिकॉर्डर का क्लिक बटन आवाज कर गया। उस महिला ने रजनी का बाहर निकलना तक बंद कर दिया था। कई महीने बीत गए, एक दिन मर्डरर उस महिला से मिलने आया, लेकिन अब दिक्कत थी कि रजनी घर से बाहर कैसे निकले। ऐसे में रजनी ने किचन में जाकर चाकू अपने पैर पर गिराया और खून आने लगा। उस महिला ने बाहर पट्टी कराने को रजनी को भेजा, जिसके बाद रजनी ने एसटीडी बूथ पर जाकर अपने क्लाइंट को सब बताया। कुछ ही देर में वहां पर पुलिस पहुंच गई और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और इसी तरह से एक के बाद एक कई ऐसे केस रजनी ने सॉल्व किए, जिसके बारे में सोच पाना नामुमकिन था। हालांकि जासूसी करने को लेकर रजनी पंडित को ऐसे कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। ऐसे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।